एक्टर और डीएमडीके पार्टी प्रमुख विजयकांत का निधन हो गया है। कुछ दिन पहले उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, जिस वजह से वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्हें निमोनिया भी था। 28 दिसंबर गुरुवार को उनका निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। आइए जानते हैं तमिलनाडु की राजनीति के दिग्गज चेहरे विजयकांत के बारे में कुछ जरूरी बातें। विजयकांत का जन्म तमिलनाडु के मदुरई में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनकी उम्र 71 साल थी। उनकी पार्टी का पूरा नाम देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम डीएमडीके था। विजयकांत एक जाने माने एक्टर थे और उन्होंने 154 फिल्मों में काम किया था। उनका फिल्मी करियर बहुत शानदार रहा और उनकी कई फिल्में हिट रहीं। अपने अभिनय की वजह से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। साल 2006 में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और अपनी पार्टी डीएमडीके की स्थापना की। वे तमिलनाडु विधानसभा में 2 बार विधायक बने। डीएमडीके पार्टी प्रमुख विजयकांत विरुद्धाचलम और आर्शिवंडियम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2011 से 2016 तक वे तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। वे साउथ के सुपरस्टार थे। पिछले दिनों से वे राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थे और उनकी पत्नी उनका ज्यादातर कामकाज देख रही थी। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।